अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल बिजनेस। तो फ्रेंड, भाई ने कमेंट्स किया था, स्पेशली भाई का कमेंट मिल गया तो ऊपर मैं शो कर दूँ। भाई ने कमेंट्स किया था एक कबूतरों में जो कैल्शियम की कमी की वजह से कबूतर कमज़ोर हो रहे हैं, उनका इलाज बताओ, तो उनका ट्रीटमेंट बताओ। तो आज इसी टॉपिक आप दोस्तों के साथ पूरा डिटेल वाइज गाइड करेंगे, क्योंकि इस कबूतरों में कैल्शियम की कमी की वजह से कबूतर बीमारी के मुतार होते हैं। तो आपको उनका मेडिसिन बताऊँगा और ये कबूतर भी दिखाऊंगा जिनमें कबूतरों की कमी, प्रोटीन की कमी आ चुकी है। तो ये देख सकते हैं, पर इस तरह के निकले दोनों भाई बहन हैं। पहले मैं आपको एक भाई का शो कराता हूँ। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको एक भाई का, आप देख सकते हैं ये दूसरी के लिए कबूतर है, मगर इनके पंख है बीमारी के मुताबिक आपको नज़र नहीं आएंगे। इनके जो माँ बाप है, इनके जो दूसरे भाई बेबी पिजन है, वो काफ़ी चौड़े पर होंगे। ये आप देख सकते कितने पतले पर होंगे। इसके बाद जो दूसरे पर आ रही है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही एक्टिव है। तीसरी कलिया भी इनकी न्यू आ रही है, तो इनके पर भी देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह के होंगे, क्योंकि इसकी जो कमी की वजह से कबूतरों में आई थी, किस वजह से आई वो मेडिसिन मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी साइड का पला भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि दो बेबी पिजन है, ये लगातार ये जो जोड़े वाले कबूतर उनमें ये मसला आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा ब्रीड लेने से आप देख सकते हैं इसके पड़ों की चौड़ाई कितनी छोटी है। यहाँ से भी आप देख सकते दूसरी तीसरी कली का आई है, तो इस तरह के पंखे इनके हैं। बाकी दो बेबी पिजन जोड़ों निकालते हैं तो उसके पंखे इस तरह के मोटे है, मगर इसमें कबूतर कैल्शियम की वजह से काफ़ी कमी आ गई है। तो इनकी दुम भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके दुम के पंख भी आप देख सकते कितने पतले है, कमज़ोर पर निकले हैं, क्योंकि कैल्शियम की वजह से कमज़ोर पर निकले, क्योंकि इसकी उड़ान में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अभी इसका दूसरा बेबी पिजन था वो दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम कमी आई है। तो उनको मैंने क्या दिया, तो आप देख सकते हैं कबूतर बिल्कुल एक्टिव हो गए। जो पंख न्यू आ रहे हैं तो वो अक्सर पंख साफ़ सुथरे आएंगे, क्योंकि आपको इसके कबूतर के पंख की हाल दिखा देता हूँ। तो ये इसका सीन चल रहा है, तो इनका ये सीन ही चल रहा है, तो उसका फोकस करने की कोशिश करता हूँ। भाई ये सीन चल रहा है, तो उनकी पर आप देख सकते किस कदर हो गए, क्योंकि ये क्योंकि कमज़ोरी की वजह से जो बीमारी आ जाती है परों में, ये बीमारी के मुताबिक नहीं, ये एक कमी की वजह से कबूतर काफ़ी कमज़ोर था, उसकी वजह से ये कबूतर के पंख वगैरह है वो अच्छे से ना आ सके। बाकी इस कबूतर की थरथराहट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, क्योंकि जोड़े परवाजी जोड़ा है मेरा। तो उनकी अभी वेट भी मुकम्मल हो गया है, अभी इनका वेट मुकम्मल होने के बाद इनके अभी इसके पंख भी दिखा, दूसरी के इसकी भी आप देख सकते तीसरी कली आ रही है। तो इनके अभी जो मैंने ट्रीटमेंट किया, तो ये बीमारी के मुताबिक नहीं, कमज़ोरी की वजह से था। तो बीमारी के मुताबिक होता तो इसके दूसरे पंख भी आएंगे, तो इसी तरह से आएंगे अगर बीमारी की वजह होती तो, क्योंकि कमी कैल्शियम की कमी की वजह से को मैंने मेडिसिन किया दिया। तो पहले हमको मैं इसका क्लियर कर दिखा देता हूँ, क्योंकि जो पंख आ गए जिसकी तीसरी कली आ रही है, आप ये देख सकते कितनी चौड़े पर है, और इसकी ये साइड भी आप दिखा देता हूँ। तो इस साइड भी आप देख सकते तीसरी कली आ गई है, मगर तीन पर आ गया, मगर मुकम्मल तौर पे सही है। और इसकी दुम भी देख सकते हैं, दुम का ये सीन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये दुम का सीन चल रहा है। थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये दुम की ये सीन चल रहा है। तो दुम किस कदर आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि कमी की वजह से ये शुरू शुरू में थोड़ी सी कमी हो गई, इस वजह से ये कबूतर पंख वो शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल कमज़ोर आएंगे। अभी इसके दोबारा जो पंख वगैरह आएंगे वो अच्छे से आएंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट कबूतर जो मैं जोड़ा दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही फिट है, बेबी पिजन्स है। फ्रेंड, में जोड़ों के लिए कैल्शियम की कमी की वजह से जो मैं नुस्खा देता हूँ वो देसी नुस्खा देता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में आप दोस्तों के साथ में शेयर करता रहता हूँ कि नुस्खा कौन सा देता हूँ। तो कबूतरों के लिए एक चूल्हे की मिट्टी जो और एक ईंट, इस तरह की ईंट होगी मगर बिल्कुल लाल रंग की ईंट होगी, वो लेता हूँ। उसके बाद उनको अच्छे से पीस के उनमें अंडे के छिलके, जो अंडे घर में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए, उनके छिलके बच जाते हैं, वो भी पीस के उन मिट्टी में बर्तन में भर के रख देता हूँ। 15 दिन तक चल जाता है, उसके बाद दोबारा से भर के रख देता हूँ। तो कबूतरों में कैल्शियम कभी कभी भी नहीं आती है। अगर आपके कबूतर दाना नहीं खाएंगे तो कबूतर लाजमी जाहिर सी बात है कमज़ोर में जाएंगे, तो उनमें कबूतरों में कैल्शियम कमी भी आ सकती है। तो इसलिए Li-52 जिसमें जोड़े वाले कबूतरों के लिए हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर ही इस्तेमाल करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके जोड़े वाले कबूतर
ज़्यादातर अच्छा नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं तो उन बेबी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो जोड़ों वाले कबूतर है वो D52 उनका लीवर सही करती है, उनका दाना पानी अच्छे से हजम करती है। क्यों, उसका रीज़न क्या है कि जोड़े वाले कबूतर आप जैसा भी दाना दोगे तो उनको भूख होगी, तो वो उन बेबी पिजन को खिलाने के लिए गर्म दाना दोगे वो भी उठाएंगे, बिल्कुल ठंडा दाना दोगे वो भी उठाएंगे, इस कदर उठाएंगे उनको जल्दी जल्दी अपना पोट भरेंगे, बेबी पिजन को जाके खिलाएंगे। उसमें गर्म भी दाना जाता है, ठंडा भी दाना जाता है, तो गर्मी में आप दाना दोगे तब भी खाएंगे, क्योंकि इसमें कबूतरों का पोट का मसला भी हो सकता है, काफ़ी बीमार आ सकती है। तो D52 उनका लीवर सही करती है, दाना पानी अच्छे से हजम करती है, उनको भूख ज़्यादा लगती है। तो D52 आप उनको दो मरतबा हफ्ते में दो मरतबा जोड़ों वाले के लिए इस्तेमाल करें। कितनी मकदार में इस्तेमाल कर दिए आपके पास कबूतर कितनी है, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन, 2 लीटर पानी में 2 ढक्कन, जितने आपके कबूतर पी सके। पानी को रखना कितना है, पानी को रखना है सिर्फ पानी आपको कबूतर, ये मेरे पास कबूतर इस लोप में है, सारों ने पानी पी लिया, तो उसको आपको क्या करना, पानी को ज़ाया कर देना, रखना नहीं है ज़्यादा पानी, पिला के पूरे कबूतर ने पानी पी लिया, आपको उसको नज़र रखनी है किस कबूतर ने पिया किसने नहीं पिया, सब ने पी लिया तो उसको पानी आपको हटा देना है। अब देसी नुस्खा में इस्तेमाल आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मट्टी मट्टी चूल्हे की मट्टी से ईंट हो और ज़मीन की जो मट्टी, ये चीज़ें मैं नुस्खे में इस्तेमाल करता हूँ, तो वो कबूतर हमारे फिट रहते हैं, उसमें कैल्शियम कभी कभी भी नहीं आती, ना ही बीमारी के मुताबिक वो बीमारी में जाते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप ब्रोटोन, ये आपको ऊपर में शायद मैं तस्वीर मिल गई तो ऊपर में शो कर दूँगा, ये भी D50 की तरह 1 लीटर में 1 ढक्कन, ज़्यादा नहीं देना है, जितनी आप कबूतरों के लिए कम इस्तेमाल करोगे वो कबूतर आपके फिट रहेंगे। हर चीज़ ही आपको दवाई मेडिसिन डोज ज़्यादा हो जाएगा तो कबूतरों में तकलीफ होती है, काफ़ी जो कबूतर दोस्तों के ज़ाया भी हो सकते हैं, इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल करना है। 1 लीटर में 1 ढक्कन, 2 लीटर में 2 ढक्कन, ठीक है, ब्रोटोन में बता रहा हूँ, ऊपर तस्वीर मिल गई तो शो कर दूँगा। और उसके बाद विमरल, अगर आप विमरल ब्रोटोन मिल जाए तो विमरल उसमें नहीं डालनी है, क्योंकि ब्रोटोन ही सही है, काफ़ी दोस्त यूट्यूबर पर मैंने देखा है, काफ़ी दोस्त ज़्यादा बता देते हैं, तो विमरल आपको नहीं लेनी है। अगर ब्रोटोन नहीं मिलती है तो विमरल D52, इनकी तस्वीर ऊपर में शो कर दूंगा मैं, D52 और ब्रोटोन ये आप मिला सकते हैं। और अगर मिल जाए विमरल, ब्रोटोन मिल जाए तो विमरल आपको नहीं देनी है, अगर ब्रोटोन नहीं मिलती है तो आपको विमरल देनी है और D52, 1 लीटर पानी में दोनों के 1-1 ढक्कन, ठीक है। तो इस तरह के मैंने सीन है, इसी तरह से आपको इनकी ट्रीटमेंट करनी है। विमरल ब्रोटोन मिल जाए तो विमरल आपको उसमें नहीं डालनी है, क्योंकि उस पर आप साइड पढ़ोगे तो शायद लिखा होगा विटामिन डी ऐसा कोई पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें विमरल डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ब्रोटोन नहीं मिलती है तो आप विमरल उसमें डाल सकते हो, मकदार तो मैंने आपको बताई 1 लीटर में 1 ढक्कन, विमरल हो चाहे ब्रोटोन हो चाहे D52, क्योंकि जो कबूतरों में इस्तेमाल करने के लिए D52 आप हफ्ते में जोड़ों के लिए, जोड़ों वाले कबूतरों के लिए 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बीमारी आ जाती है तो आपके लोफ में नहीं आएंगे। बीमार आने का रीज़न क्या है कि हम कबूतर कहीं बाहर से लेके आते हैं, बाहर से हम किसी लोफ से लेके आए, उसमें कबूतर लकवे वाले होते हैं, गला भी ख़राब होता है, आँखों का मसला होता है, पोट का मसला, काफ़ी ज़्यादा मसले, वहाँ से आके आप लोफ से लेके आपने कबूतरों के साथ आपने आके छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब ये है कि आपने एक कबूतर छोड़ दिया, बाकी कबूतरों में आस्ता आस्ता बीमारी उसमें कबूतर में चलने शुरू हो जाएगी। एक तो ये रीज़न है, दूसरा रीज़न ये है कि आप किसी भी लोफ्ट में जाओगे, किसी बराबर वाले के पास के जाओगे तो आपके साथ ही है लोफ्ट, तो आप वहाँ जाओगे तो वहाँ से बीमारी तो नहीं आएगी ना। अगर वहाँ पर आप जाओगे कबूतरों में हाथ वगैरह लगाओगे, उनकी बीटी वगैरह आपके पाँव में आएंगी, तो वहाँ से वापसी आप अपने लोफ्ट में आओगे तो उस वाली लोफ्ट वाली बीमारी भी आपके कबूतरों में आ सकती है, क्योंकि आपके पाँव में बीट होगी और हाथ धो के फिर में आपके लोफ में आना है, इसी तरह से आपके लोफ में कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतनी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न्यू और सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपना सारा ख्याल रखिए, दुआ में रखिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।